नमस्कार दोस्तों, PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः GS के 50 स्पेशल प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी UPPCS एवं बाकी सभी एक दिवसीय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर के टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर एक पर। प्रश्न नंबर एक है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। दोस्तों, ये टेनिस नहीं, बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न दूसरा आपके सामने है, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1953 में। प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैकाल। प्रश्न नंबर पाँचवा आपके सामने है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाटविया। प्रश्न नंबर छठा आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति निवास करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोनभद्र में। प्रश्न नंबर सात आपके सामने है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थारू। प्रश्न नंबर आठ आपके सामने है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बनारस घराने से। प्रश्न नंबर नौ आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर दस आपके सामने है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहराइच में। प्रश्न नंबर ग्यारह आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य से दूर की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, निम्न में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उष्मीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, निफेंथिस खासियाना जो कि एक घटपड़ी है नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधों को पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय में। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधपके फल से। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, निम्न मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लौंग। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, निम्न पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल, आलू और मूल का। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, इनमें से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, निम्न उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, निम्न में से किनकी आवश्यकता अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपकरणों के बीच वायरलेस संप्रेषण के। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, DNA वायरस। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, एंजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, एक तरफ पार्टी, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, AIADMK जो कि 1975 में स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, लोक हितवाद मुकदमों की संकल्पना का उद्गम देश है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, USA। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी।
प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, पीवीआर सिनेमा का पूरा सही नाम है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, प्रिया विलेज रोड शो। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोगवा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म मौर्ययुगीन अधिकारी का सुमेल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेनाध्यक्ष सेनापति। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिस। सॉरी, इसका जवाब ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है, इनमें से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिस ने। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, निम्न सूफियों में कौन कृष्णा को औलिया के अंतर्गत मानता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौस। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, टोडरमल संबंधित था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालगुजारी सुधारी से। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, यह राणा सांगा के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माहम अनगा। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, सती प्रथा का उन्मूलन किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर में। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न 48 आपके सामने है, निम्न में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव किया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीके गोखले ने। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ। दोस्तों, इस तरह से 50 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।